मेरा यहाँ पे आप सबको इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाने का एक पर्पज़ था कि दो तीन दिन से ये न्यूज़ चल रही थी स्टेशंस के ऊपर कि हमारे दिल्ली या बाकी के स्टेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये न्यूज़ कुछ वीडियो के माध्यम से भी चल रही थी और कुछ वीडियो वायरल भी हो रहे थे और कुछ चैनल भी परसों से इस न्यूज़ को चला रहे थे। इसी की कड़ी में मैंने कल कुछ चैनल्स को जो है वो यहाँ पे बुलाया था और उनको मैंने नई दिल्ली में वॉक थ्रू भी करवाया था और उसमें चार पांच चैनल ने इस न्यूज़ को कल चलाया भी है। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली एरिया के टोटल स्टेशंस को देखें तो लास्ट ईयर इस वक्त हम लोग 370 के आसपास जो है मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे थे। आज हम लोग करीब 315 से 320 ट्रेन हम लोग अभी भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो भारत के डिफरेंट एरिया है उसकी तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि करीब 80% ट्रेन जो रनिंग है हमारी कंपेयर टू लास्ट ईयर आज अचीव हो चुकी है। आपको मेरा यहाँ बुलाने का पर्पज़ ये था, ये बताना कि ये जो भ्रमिक न्यूज़ है कि बहुत ज़्यादा स्टेशंस के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड रश है, बहुत ज़्यादा रश है, भीड़ है, सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं हो रहा है, ये जो है वो न्यूज़ बहुत ठीक नहीं है। और इसलिए मैं ये चाहता था कि आप सब लोग मेरे साथ नई दिल्ली के स्टेशंस के ऊपर एक वॉक थ्रू भी कर लें हम लोग, और आप अपने खुद अपने जो कैमरा है उसके थ्रू देखें और दर्शकों को बताएं और बाकी लोगों को बताएं कि स्टेशंस के ऊपर जो ये बताया जा रहा है कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ज़्यादा रश है, वो न्यूज़ ठीक नहीं है। कल हम लोगों ने नई दिल्ली पे वॉक थ्रू किया था जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म एरिया, कॉन्कोर्स, टिकट विंडोज़ और जो सर्कुलेटिंग एरिया उस सब का वॉक थ्रू हम लोगों ने कल किया था। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने खुद कैमरा लेके आप नई दिल्ली ही नहीं सारे के सारे स्टेशन हमारे देखिए, चाहे आप आनंद विहार चले जाएँ, नई दिल्ली चले जाएँ, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाके देखें और ख़ुद सुनिश्चित करें कि ये जो न्यूज़ है ये ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए हमारे पास जो है वो दिन में करीब 12 से लेके 2 बजे का एक बंच है और फिर 6 से 8 बजे का एक बंच है। दो बंच है जिसमें बहुत सी ट्रेनें या तो छूटती हैं या ट्रेन नई दिल्ली की तरफ आई या आनंद विहार की तरफ आती है। उस बंच में आप देखिए कि थोड़ा रश होता है क्योंकि लोग बहुत से लोग आ रहे हैं इस स्टेशन पे। आज भी अगर मैं 320 ट्रेन या 325 ट्रेन की बात करूं तो उसमें 1000 की ऑक्यूपेंसी अगर मैं मानता हूं तो नई दिल्ली के ऊपर आज भी करीब 3 लाख का फुटफॉल है। तो अगर वो 3 या 4 बंच में आते हैं, जैसे अभी आपने देखा सचखंड आई है तो सचखंड में बहुत से लोग उतरे हैं, लेकिन आपने एक भी पैसेंजर ऐसा नहीं देखा होगा जिसने मास्क नहीं पहना हुआ है, जो आराम से स्टेशन के ऊपर बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये सारा का सारा जो सोशल डिस्टेंस के नॉर्म्स हैं और कोविड प्रोटोकॉल है वो पैसेंजर भी फॉलो कर रहे हैं और हम खुद इंश्योर कर रहे हैं कि बंचिंग के टाइम पे भी हम लोग जब पैसेंजर बाहर निकल रहे हैं या पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं ट्रेन में, उसमें हम लोग इंश्योर करें कि हमारा सारा स्टाफ, चाहे वो कमर्शियल स्टाफ हो या RPF के लोग हों, उनके थ्रू हम लोग सारा का सारा प्रोटोकॉल जो है कोविड प्रोटोकॉल उसको फॉलो कर रहे हैं। परसों एक चैनल न्यूज़ चला रहा था कि मज़दूर जो हैं वो लेबर प्लान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक शॉट भी दिखाया जिसमें एक पैसेंजर दिखाया है और उसको वो पूछ रहे हैं कि आप जो है वो दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन होने की उम्मीद है। मैंने उनको ये बहुत क्लियरली उनको बताया कि जब बहुत से लोग प्लान करते हैं तो हज़ारों की संख्या स्टेशन के ऊपर आती है। आप पिछले 3 दिन से मैं मीडिया को नई दिल्ली स्टेशन पे ऊपर और आनंद विहार पे लेके जा रहा हूँ, मुझे और मेरे मीडिया बंधु जिन्होंने मेरे साथ वॉक थ्रू किया है उनको ऐसा कोई भी प्लान जो है वो मज़दूरों का प्लान नज़र नहीं आया। तो इसलिए ये न्यूज़ ठीक नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है वो जो सच है उसको दिखाना हमेशा अच्छा है। स्टेशन के ऊपर चाहे आप स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं या स्टेशन से बाहर जा रहे हैं, हमारे सारे एंट्रीज़ के ऊपर थर्मल कैमराज लगे हुए हैं और हमारे दिल्ली गवर्नमेंट जो है रेंडम जो है वो टेस्ट भी कंडक्ट कर रही है। तो और बकायदा जो टिकट्स हैं कंफर्म टिकट वो भी चेक की जा रही हैं।
तो चेकिंग के जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो सारे के सारे फॉलो किए जा रहे हैं। आप खुद, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे सारे एंट्री पॉइंट पर जाके देखिए और खुद चेक करिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। नहीं देखिए, इसमें ऐसा है कि आप जब स्टेशन में एंट्री करते हैं तो थर्मल कैमराज हैं, एक तो थर्मल कैमरा है जो ऑटोमेटिकली आपका जो टेम्परेचर है वो देखते हैं। दूसरा ये है कि एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, जब आप टिकट, आप तो एज मीडिया आ रहे हैं तो मीडिया के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होती कि आपको भी सारा का सारा चेकिंग किया जाए। और आप, हो सकता है स्टेट एंट्री से आप एंटर किए हों या हम में से बहुत से लोग जो स्टेट एंट्री रोड से एंटर किए हों, और ये इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दी हुई है कि आपको फ्री जो है एक्सेस दिया जाए आज।